ये हमारा खास मौका था कि हमारे 10 साल मुकम्मल हुए थे, तो हमने सोचा कि हम शर्मिंद साहब को जो है जब हमारी हमारे 10 साल मुकम्मल हो गए तो हम ये अवार्ड डुप्लीकेट में पेश करेंगे। लेकिन कोविड उस वक्त जब पहला फेज हुआ 26-28 मार्च, तो उस वक्त हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कोविड बहुत था और शर्मिंद साहब तबियत थोड़ी नाकाज थी तो वो नहीं आ सके। फिर हमने सोचा चलिए नवम्बर में कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर शख्सियत ऐसी थी। मैं तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है बहुत हमारा सफर हमने दोनों दूसरे के साथ होता था, चाहे पाकिस्तान में कहीं भी जाते थे तो बहुत कंफर्टेबल रहते थे मेरे साथ, तो बहुत यादें हैं उनके। लेकिन बहरहाल मैं अपनी बातें जो है यादें साझा करता रहूँगा। आंटी जो ये अवार्ड उनका हक है और वो करेंगे, लेकिन जो चार साथ साथ जो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है
जिंदगी और जमाने के कहीं। आम तौर पर जो हमारे दानिश्वर या उलमा होते हैं उनमें इल्म भी बहुत हो जाता है, ज़हानत भी बहुत होती है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास थोड़ा वक्त के साथ कम होता जाता है। शमी नकवी साहब से मैंने क्लासरूम में तो नहीं पढ़ा, मैं जीन का तालिबिल रहा हूँ। जामिया में शोबे उर्दू से मेरा ताल्लुक है और जामिया मुझे लाने में और उनका एक बहुत अहम किरदार है, तो मैं जामिया में हूँ तो जब तक मैं हूँ और जब तक तकरीबन मैं समझता हूँ कि 99 और वो चंद हफ्ते जो उनकी बीमारी के थे और इत्तेफाक से वो हफ्ता मैं दिल्ली में उस हफ्ते नहीं था, मैं वतन में था, तो लेकिन उनके इंतकाल से कोई दो दिन पहले मैंने फिर से ज़बरदस्ती उनसे बात की थी, नंदी मौजूद हैं और उनको महसूस हो गया था कि मैंने मेरे जहन में जो एक पूरा सिलसिला सा बनता है इल्म का, तहजीब का, तारीख का, मुसव्वरी का, मौसीकी का और मजमू तौर पर जिंदगी के पूरे मंजरनामे और उनकी किताब वो से शायद हुई, फिर वो से शायद हुई पाकिस्तान तो में थे और गालिब के साथ जो सफर रहा है वो इतनी सफर गालिब के दीगर मकामों से जितना मुख्तलिफ रहा है। फिर उसके बाद ये भी लिखा है मैं सब को एक आपी के तौर पर तो ये पर एक पढ़ने वाला एक कारी और एक लीडर इस तरह से उसको अपनी जात पे तारीफ कर देता है और वो तारीफ कर लेना उसके फिक्र एहसास की जिस सतह तक मंजिल तक जाता है। एक बार ऐसी बात में करना
और किसी एक ले जाना जिसने किसी बोर्फेस को लंदन में और शांति जो बोर्फेस के लिए मुनाकिद की गई थी सुना
हमने सुनी और लगे सर्वर थी कि एक चाय और बनाओ, एक कॉफी और। कहा कि मैं ये पहली तहरीर पढ़ रहा हूँ जो किसी ऐसे शख्स की है जिसने बोर्खेस को लंदन में देखा था। नाबीना हो गए थे बोर्खेस, और जैसा दिलबर वर्मा ने उसका नक्शा खींचा है जब वो लाहौर में दाखिल हो रहे हैं बोर्खेस, और जाहिर है कि नाबीना किसको देख रहा है, कहाँ देख रहा है, मजनू की तरफ जो सवाल कर रहे हैं। और वो लिखा जिमर वर्मा ने कि सवाल करने वाला कुछ सवाल करता था, बोर्खेस अपने ही मुताबिक जवाब दे रहे थे। जब उन्होंने एक बार आंख उठाई तो मुझे लगा जिमर वर्मा के अल्फाज हैं, मुझे लगा कि बोर्खेस इसको देख रहे हैं। फिर मैंने जिमर वर्मा लिखा है, मुझे ये महसूस हुआ था कि बोर्खेस उस वक्त हर एक को देख रहे हैं। अब ये पूरा एक आर्टिकल, अभी उसको मैंने उर्दू तर्जमा करके उसको सीरीज हमने पाकिस्तान भेजा था, वो छप गया है। कई लोगों ने पढ़ करके मुझे उस मैसेजेस किए। तो शमीम साहब की प्रॉब्लम ये थी कि किसी खराब तहरीर की वो तारीफ नहीं करते, और हर ऐसी तहरीर जो सिक्काबंद आलोचना से तंकीद से अलग है, वो एहसास को जगाती है, फिक्र को जगा रही है और हमें गुनहगार करती है, वो उसके साथ हो जाती है। इधर और इस तरह चीजें पढ़ने लगे थे, कहते देखो ऐसा है कि अब जरा सा मैं चीजें ज्यादा पढ़ता हूँ, उनके नोट्स कुछ मिले, मिंडी ने मुझे नोट्स भी दिए हैं, उसमें कुछ ऐसे जुमले हैं बोर्खेस के बारे में है, मिलान कुंडेरा के बारे में है, और मार्किस के बारे में है, निर्मल वर्मा के बारे में है, और मैनेजर पांडे के बारे में है, नामवर सिंह के बारे में है। अब ये सारी हिंदी तो उतनी ही थी, नहीं कहते कि उतनी थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा शनाख्त और किरार नासिम। मेरी किताब मैंने जब पांडे का तर्जमा किया, मैंने साहित्य समाजशास्त्र की भूमिका उसका प्रीफेस उसको रिलीज फंक्शन यही हुआ, वो उस तारीखी कितने लोग मौजूद थे। और जब शमीम साहब को पुरुषोत्तम अग्रवाल ने आवाज़ अग्रवाल ने, मैं इस वक्त उर्दू के आलोचक नहीं बल्कि अपने एक देश के विचारक को बुला रहा हूँ, शमीम साहब आपका शुक्रिया। तो शमीम साहब कोई उर्दू लिटरेचर के आदमी थे, उर्दू के उस्ताद थे, उर्दू के नकाद हैं, लेकिन अब जबकि वो नहीं है और वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है और जैसे जैसे हमारे यहाँ तारीख की तहजीब की नींव ऐसे शुरू हो रही है, और जैसे जैसे हमारा जहन सिमटता जा रहा है तारीख और तहजीब के सिलसिले में, जिसको हम संकुचित कहते हैं, जैसे 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 शमीम साहब की बातों का एक ही रंग को मैं नहीं देख सकता, मैं एक ही आवाज को सुन नहीं सकता, मैं एक ही तरह की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि यहाँ ना कोई एक जबान रह सकती है, न यहाँ कोई एक तहजीब रह सकती है, न यहाँ कोई एक कल्चर रह सकता है, यहाँ ना सिर्फ एक लिटरेचर रह सकता है जो हमारी पूरी व्यक्ति है। इसीलिए तेलुगु के शायरों के बारे में आप उनसे बात कर सकते थे, मलयालम के शायरों के बारे में, और हिंदी तो हमारी एक बड़ी जबान है ही, हम तो बाज़ाब्ता हिंदी से पढ़े हुए हैं, और हमने कितनी हिंदी की तहरीरों का उर्दू में तर्जमा किया है। तो ये मौका असल में मेरे लिए थोड़ा सा जज्बाती भी नहीं हो गया हूँ, जिसका एहसास है, और कई एतबार से इसकी एक है। मैं परवेज साहब से गुजारिश करता हूँ कि इतनी वाकई बहुत जज्बाती तकरीर थी हमारे सरवर साहब की, और क्यों ना हो हम सभी की
होता है शायर, फिर कहानीकार नॉवेलिस्ट, तनकीदकार कहाँ होता है। लेकिन पहले नहीं कहेंगे, लेकिन जितना शिक्षा को याद किया जाता है, जितना पढ़ा जाता है, जितना सुना जाता है, उसके कोई जवाब ही नहीं। जो हम उनकी देखिए, हमने बड़े बड़े विद्वानों को सुना, अक्सर होता है कि बड़े जाते हैं। शेमिल साहब ऐसे एक वक्ता थे जो सिलसिलेवार होते और बिल्कुल बहते हुए दरिया की तरह होते, आवाज भी उनकी कानों को भरी लगती थी और लगता था कि वो बोले जाए और आप सुने, वो एंजेस्ट है। तो ये बहुत बड़ी खूबी थी कि एक शब्द बोला, और जब एक ही मेरे नॉवल पे तीन बार आए, उन्होंने तीन बार तीन अलग तरह की तकरीरें, एक ही चीज की था, वो मना नहीं करते थे। मेरा चिंता से बहुत बाद में असल मुलाकात भी हुआ था, कल बात किसी फंक्शन में हुई थी, और पहली बार याद मुझे 1989 जब पुलिस नेदर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, तो मेरे नोवाडे ने मेरे जिम्मे किया गया था उनको इंटरव्यू करूँ, और टाइम बहुत कम था, तो मैंने एनी आपा के घर फोन किया, तो वो वहाँ तो किसी ने उठाया नहीं। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि शेमिल साहब को फोन करो, तब मैंने पहली बार शेमिल साहब को फोन किया था। उन्होंने कहा वो अलीगढ़ में, अलीगढ़ का नंबर दिया उन्होंने, मेरी एनी आपा से बात हुई, फिर दूसरे दिन आ गई, फिर वो अलग कहानी है। फिर एक बार इतफाक क्या हो, जिंदगी में इतफाक कैसे होते हैं, मैं अलीगढ़ जा रहा था आनंद विहार बस स्टैंड पर, जो बस में बैठा था शेमिल साहब बैठे थे, तो वो सफर हमारा ऐसा गुजरा कि पता चला कि अलीगढ़ गया। मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, शेमिल साहब को अपने किसी काम जाना था, जो वापस आए स्टैंड पर, तो फिर हम एक ही बस में बैठे थे, और उन्होंने मुझे अपेक्षा से समाचार अपार्टमेंट छोड़कर वो गया। अभी सरोज साहब बात करते हिंदी की दुनिया की, तो हिंदी की दुनिया में कितनी इज्जत थी शेमिल साहब की, उनको तो सबके लिए फर्क ही नहीं था। शानी साहब का समग्र साहित्य छपा, तो फंक्शन था त्रिवेणी में, तो मैं गया था शेमिल साहब, और जब वो बोलने आए तो उन्होंने जोश की इतनी तवील दंग पूरी सुना कि देखो ये है, और वो फंक्शन बहुत अच्छा हो गया। तो दूसरे दिन मुझे विष्णु खरे को स्टेज छोड़ने जाना था, तो खरे साहब ने कहा कि भाई सर्वे शनि भाई क्या बोले, तो वो विष्णु खरे जो खुद ही अपने आप को ओनली जीनियस वॉकिंग अंडर, जबान से तारीफ किसी निकलती नहीं, वो खुद का तकिया कलाम था। तो मेरी बात ये बात आप शनि साहब से कहेंगे, एक बहुत बड़ा विद्वान मेरे साथ बैठा है इनके बात, और फिर जी 15-20 मिनट तक उनकी उस तकनीक उनका शानी पर इससे अच्छा लेक्चर मैंने कभी सुना। मैं पढ़ा हूँ, मैं 50 बार बोला हूँ, पर इससे अच्छा पूरे समाज ही बताने बने शानी को उन्होंने रखा इससे अच्छा। तो ये शेमिल साहब। दूसरा क्या हुआ था कि मेरी किताब का फंक्शन था, तो हमारे दोस्त हैं विष्णु नागर साहब कवि भी हैं, उन्होंने कहा कि शमीम साहब जो बोलेंगे वो हम छापें। बारिश बहुत हो गई, शमीम साहब आ ही नहीं पाए, तो मैंने नागर को फ़ोन किया, कोई शमीम साहब तो आए नहीं, क्या करें, फिर उनसे लिखवा लीजिए। मैंने सर को फ़ोन किया, तो उनका मैं किसी काम में बड़ा मसरूफ हूँ अभी, तो टाइम लग जाएगा, तो मैंने ऐसा करते मैं आ जाता हूँ, आप बोल दीजिए हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। नंबर फिर हम गए, उन्होंने रिकॉर्ड किया, तो फिर मैंने सरप्राइज होते नागर जी को फ़ोन किया कि भाई शहीन साहब राइटर तैयार है, तो उन्होंने कहा कि हम 600-700 वोट लेंगे बस, आप 600-700 वोट भेजिए। मैंने मेरी क्या मजाल औकात थी शहीन साहब को कलम चलाऊँ, और नाइंसाफ हो जाएगी कि मेरी किताब भी लिखा है, मैं मीठा मीठा ले लूँगा कड़वा कड़वा छोड़ दूंगा, तो ये तो नहीं होगा, मैं आपका पूरा भेज रहा हूँ। और पूरी उम्मीद है कि शहीन साहब का नाम तक नहीं करेंगे, छोड़ दिया वो पूरा आर्टिकल साहब ने लिख दिया है, तो उसको कौन डर सकता है। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी यादें हैं शहीन साहब की, लेकिन अब मैं
अब वो जो फंक्शन में आए थे जो मैंने गाड़ी से देखा था तो मैंने तो पहले कहा तो बाउंस हो गया बाउंस का क्या हुआ करिए जब भी उनको तीन चार साल में जब भी आपने फोन किया था जो कोविड हो गया था उन्हें कोई बुखार आ गया तो ये हो गया चार पाँच दिनों के लिए तुम आओ वहाँ लॉन है पीछे चाय पीते हैं बैठकर मैंने अब ठीक है हाँ बुखार तुम्हारा बिल्कुल उतर गया आओ उनको मिलेगा था तो दूसरे दिन पता लगा कि हो गया तो मैं रंजीत कुमार यहाँ पर बैठे सभी लोग आदरणीय लोग और मैं तो उसको भाभी जानी कहूँगा भाभी जी कोई मेरे वो तो मैं कोई नहीं आप दरअसल भाई शमीम साहब मेरे बड़े भाई के समान थे मैंने उनको हमेशा उस रूप में ही ट्रीट किया क्योंकि मैं कोई लिटरेचर का आदमी तो हूँ नहीं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ और कुछ अदब के लोगों से थोड़ा बहुत चलते फिरते उनके कॉन्टेक्ट में आया लेकिन जब मैं डॉक्टर शमी मंडी साहब के से मिला मुझे जहाँ तक याद है 1987 तो मैंने असगर हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं कथाकार हैं मैंने कुछ वहां के लेके गए जाके बात साहब ने मुझे कम से कम 10-15 किए लाहौर के इस्लामाबाद और वो एड्रेस ऐसे थे एक मरतबा गया पहली दफा मैं ठहरा
आप डॉक्टर शर्मा मुंपी का मुझे छोटा भाई समझ लीजिए और यहाँ मुझे कुछ रहना है 10-15 दिन थोड़ा कवर करना है पाकिस्तान को। वो तुरंत ही यानी आधा घंटे पौन घंटे में उसकी अपनी कार चलाती हूँ पहुँच गई और उनको मैंने बताया। उन्होंने तो मुझे बताया कि आपके बारे में हमें पता लग चुका है, शमी साहब ने पूरा ब्रीफ कर दिया कि आप किस मिजाज के हैं और किस बैकग्राउंड से हैं। अच्छा पहले से ही पहुंच गया मैं। उनके आज शाम को आपको मेरे यहाँ दावा आइए, तो मैं उनके घर पहुंच गया। वो खुद ही लेने आई रात को कोई 9-10 बजे हम लोगों की दावा शुरू। उसमें आइए रहमान जो बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे बहुत बड़े, और एक बहुत पुरानी यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे डॉक्टर मलिक थे, हबीब जाजिब थे, और मतलब उस सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया और कम से कम 2-2.5 घंटे तक रात 12-1 बजे तक जो पीना खाना जो चलता है चलता रहा। अब मुझे लगा डर, मैंने कहा कि ये जिया का जमाना है कोई नजर ना आ जाओ। तो रहमान साहब कहने लगे आप शमी साहब के लिए हैं अब, और जब तक हमारे साथ किशोर नाइक हैं चिंता फिक्र मत करें, कोई आपको टच नहीं कर सकता। खैर वही हुआ, खैर मैं जब भी जितने भी जो भी उन्होंने मुझे पते दिए इस्लामाबाद के कराची के और भी ग्रुप थे, मुझे लगा ही नहीं पाकिस्तान पहुंच के लगा कि अभी मैं वापस हिंदुस्तान में तो नहीं हूँ, मतलब लगता है कि कोई दिल्ली लग रहा है मुझे यहाँ पहुंच करके, कुछ पराया पक्ष देश ही नहीं लगा। उसके बाद तो मुझे कई बार जाना हुआ। ये मैं जो थोड़ी देर पहले कहा था कि परवेज जी के पाकिस्तान में भी वो इतने ही लोकप्रिय थे, उतने ही पॉपुलर थे साहित्य के हलकों में, और मैं भी अच्छी तरह याद है कि हम लोग लाहौर में एक बार कॉफी हाउस में बैठे हुए थे, टी हाउस में मेन रोड पर बना हुआ है ना, तो उसमें बहुत अच्छे कहानीकार थे जिनको जो कि कहा करते थे कि मैं हिंदुस्तान तब जाऊंगा कि जब मुझसे कोई वीजा नहीं मांगेगा, और एक बार वो आ चुके हैं बगैर वीजा के रात को किसी ढंग से, और उससे बड़े बड़े चुपचाप आए कोई कहानीकार थे नहीं मैं जानता। खैर तो बातचीत चल रही थी शमी साहब के बारे में, जैसे शमी साहब के थे मैं उसका हूँ नहीं विद्यार्थी, शमी साहब वाकई कुछ भी कहिए उनको केवल उर्दू का समझना गलत होगा उनके साथ जाती होगी। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि देखा जाए जब भी वो निजी रूप से हमसे बातचीत करते थे और जैसा उनका व्यवहार था जिस तरीके की वो तकरीर करते थे, मैं उन्हें हमेशा हिंदी और उर्दू के बीच में एक जीवंत ब्रिज के रूप में देखा है, एक पुल की तरह काम करते। मैंने उनसे क्योंकि मैं नई दुनिया का ब्यूरोचीफ था, मैंने उनसे 2 बार हिंदी में लिख पाया। एक बार तो ये कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक बार वहां पे किसी जगह आग लग गई थी किसी कंटोनमेंट में, और मैंने कहा कि सब मुझे आप लिख कर दीजिए अभी लौट करके आप आए हैं वहां से, तो उन्होंने कहा कब तक चाहिए, तो तक मैं आग चिंजा 2-3 घंटे में आप दे दें तो बहुत ही अच्छा रही, कितना बड़ा 1,000-1,500 शब्दों का वाकई उन्होंने हिंदी में लिख के दे दिया उर्दू में, और ऐसे लगा कि ये हिंदी में लिखने वाला है। फिर उन्होंने पूछे कि ये ऐसी हिंदी आपको कहाँ से आई, तो उन्होंने बताया कि मैं मालवा में रह चुका हूँ, इंदौर और उज्जैन वगैरह में रह चुका हूँ, इसके बाद मैंने और भी लिखवाया उनसे, तो लगता ही नहीं था कि वो उर्दू के हैं, लगता था कि हिंदी के हैं। अभी एक थोड़ी देर पहले परेश भाई वो जिक्र कर रहे थे शाहनी साहब के,
तो जब उनका जो लेक्चर हुआ, मैं था मौजूद था वहां पर, तो मैंने फिर कहा भाई मैंने कहा यार अब डॉक्टर नंबर सिंह की छुट्टी करो अब ये बोल रहा हूँ यही अन्य लगता ही नहीं साहब कि वो साहित्य से ज्यादा हिंदुस्तान के सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यिक स्थिति के बारे में जो उन्होंने जिस प्रकार भाषण दिया लगे नहीं जैसा कि कोई उर्दू का कोई व्यक्ति बोल रहा है। अभी ठीक ही कहा पुरुषोत्तम जी बता रहे थे कि एक वाकई वो सही है कि वो एक सच्चे एक हिंदुस्तानी और सच्चे इंसान थे। इंसानियत में उनका बहुत ज्यादा यकीन था कि नहीं हमारे सामने अभी एक मिल गए। और बाकी मैं ये भी कहने में कोई मुझे शक नहीं कि नामवर जी से वो अच्छा था वो जरूर का वाकई जिस ढंग से भी दिया मतलब शर्मिन साहब के साथ एक बार था एक गैर थोड़ा सा कि हमें बैठे हुए थे मैं और ईश्वर नाई और हम बैठे हुए थे और चल रहा था शाम वो रात को सब्जी मुझे शर्मिन साहब तो लेते नहीं थे ठीक है अचानक किसी मुल्ला नीचे आवाज थी शर्मिन साहब हम लोगों के सामने झमसक करते सब तुमने तो कोई चिंता की बात नहीं शर्मिन साहब कहने अब बराबर के कमरे में चले जाए मैं और वहां पर और मैंने वो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि किस तरह से वो चीजों को एडजस्ट करना सबको कॉपरेट करना एक तरफ जो धार्मिक व्यक्ति मुल्ला है और दूसरी सब लेफ्ट के लोग हैं मौजूद हैं और वह तो खुले ढंग से काम उनको कैसे एकोमोडेट करना ये उनमें एक जबरदस्त सलाहियत थी। तो मेरा ये कहना कि शमीम साहब का जाना केवल उर्दू के लिए हो सकता है लेकिन हिंदी के लिए भी मुझे लगता है कि अगर वो और रहते बाकी बहुत ही तकलीफ की बात है निजी रूप से भी कि वो रहते और जैसा कि हिंदी के साहित्य जितना चाहे वो खजाना सिंह हो निर्मल वर्मा कभी हम लोगों की बातचीत होती थी तो जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर जो लेटेस्ट लिटरेचर थे उसके बारे में अक्सर बातचीत किया करते थे उससे भी उन्होंने काफी बातें की और उनका ये कहना था कि देखो जोशी हिंदुस्तान किसी न तो एक जुबान का है न किसी के एक मजहब का है ये हिंदुस्तान बड़ा अजीम किस्म का देश है जो कि इतने साल से चला आ रहा है और जब तक आप सबको साथ में नहीं लेंगे तब तक हिंदुस्तान जिंदा नहीं है। माने और उसके बाद जब चर्चा वो करने लगते थे एक बार हमारे घर पे उनकी वो आए थे तो चर्चा हुई तो मुझे ताजुब हुआ कि वो उनको उन्होंने जो सिलसिले बाहर 3-4 हजार साल का जो सुनाया हिंदुस्तान की यात्रा सफर और उसमें जाहिर है कि वो आपका दरिया भी आया जिसका भी जिक्र हुआ तो उससे उनकी जो मेमोरी की जो भी बात थी बाकी उनकी स्मृति शक्ति याददाश्त वो कह सकती थी और वो पूरा सिलसिले बार ढंग से जो उन्होंने 3-4 हजार साल का यात्रा बतलाई तो तब उन्होंने कहा कि देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान या भारत किसी एक कानून हम सबका है और इसको जीवित रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम लोग जब तक मिलकर नहीं रहेंगे जैसे तरीका अगर संकीर्णता के ऊपर करके काम नहीं करेंगे हम बच नहीं पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस दौर में जिस मौजूदा दौर में जिससे हम लोग गुजर रहे हैं पूरा देश गुजर रहा है ऐसे में ऐसे शख्सियत के जाना ये एक कलेक्टिव लॉस है साझा नुकसान में सबका तो क्योंकि वो एक के किसी एक समुदाय के किसी एक सेक्टर के होते तो मैं कोई बात नहीं क्योंकि वो कलेक्टिव थी उनकी जो पर्सनालिटी थी उनका जो एक्सप्रेशन था
उनका जो कम्युनिकेशन था, उनकी खास तौर से उनकी जो थिंकिंग थॉट, जिससे कि कोई भी समाज, कोई भी देश जो है उसका एक करेक्टर बनता है, तो वो उसमें एक कलेक्टिविटी आती है, एक जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरलिज्म। तो वो प्लूरलिज्म उनके नस नस में समाया हुआ था। एक बार जो रामायण पर चर्चा चली तुलसीदास के बारे में, वो इतना प्यार, और फिर उन्होंने बताया कि यार एक ऋषि एक कहा जिक्र किया था कि बनारस में कहा एक कॉपी रखी हुई है, ये भी मुझे वो बता रहा। तो रामायण पर उनपे चर्चा की पूरी, हालांकि मैं इन सब चीजों में मेरा कोई यकीन नहीं रहता, मेरा मान रामायण में कुछ भी नहीं बनता। तो खैर मैंने कहा कि भाई साहब अभी मैं तो इस सब चीज को सुनने का मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, जरूरत यह है कि आज के इस चीज को कैसे बचाया जाए, हम कैसे ये शमीर साहब का जाना। बाकी जैसा कि मैंने कहा, ये कलेक्टिव लॉस है, तमाम भाषाओं का लॉस है, और संपूर्ण में ये कह सकता हूँ कि जिसको इंसानियत में भरोसा है, यकीन है, उसका लॉस है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कमी को पूरी करें। शुक्रिया। जोशी जी को आपने सुना, उन्होंने कलेक्टिव लॉस की बात की, दिलदारी है, वाकई ये कलेक्टिव लॉस है जोशी जी, और ये सिर्फ जैसे भी सम्मान है फर्ड एक इदारा, वो वाकई इदारा थे। अगर मौका दिया रंजना जी को निकलना है। रंजना गौहर जी के नाम से कौन नहीं वाकिफ है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस प्रक्रिया को, मैं ये जो रस्म अदायगी पूरी कर लूं, फिर उसके बाद तो जिस शख्स को बोलना है तो वो बोलेंगे तो सम्मोहित ही करते हैं, उसके अलावा तो कोई रास्ता है। प्रोफेसर अशोक शेखर हमारे गुरु, लेकिन ये बेहतरीन मौका होगा कि इस वक्त सभी हैं, और जिस तरह का है आंटी, तकरीबन 8-9 महीने गुजर चुके हैं, हम आज भी उन्हें याद नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान वो मौजूद है, और हम जब भी वो हो रहे होते हैं, जैसा आप यहाँ तस्वीरबाजी वहाँ की है, मल्टीपर्पज सदे आप भी नीचे थे हॉल में, जब ये सितंबर 3 तारीख की तस्वीर है, बिल्कुल मैं जरूर भेज दूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, अगर आप लोगों को याद नहीं तो, कि रंजना जी को जाना है, और मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे तशरीफ ले आए। कमल जी हमारे पैट्रन हैं जश्न अदब के, वो यहाँ तशरीफ रखते हैं, सर तशरीफ ले आए, बहुत शुक्रिया सर। जस्टिस अबुल हसनैन साहब चेयरमैन DERC हैं, लेकिन ये सब दूसरा ताल्लुक होता तारुफ है। सर का मतलब ये है कि सर सिर्फ शायर फहम है, अदीब है, अदीब क्या है, अदीब फहम है। जाहिर है कि इस वक्त जो है ये दिल्ली खुश नसीबी है कि जो है वो आज हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि लखनऊ में आज तक थे और हमने इनसे कहते रहे कि सर आप आ जाइए दिल्ली, और जाने नहीं देंगे। बहरहाल तो साल 2019 का अवार्ड दिया जाना है रंजना गौहर जी को, एक्सलेंस इन क्लासिकल डांस के लिए ओडिसी में, जिन्हें जो है आप क्या कहें, SNA अवार्डी हैं आप, पद्मश्री हैं, 2003 में मिला सर संगीत नाटक अवार्ड, अकेडमी अवार्ड जो है वो 2007 में मिला, कौन नहीं जानता है। 81 में क्वीन एलिजाबेथ हॉल में मैंने परफॉर्म किया था, मेरी पैदाइश 3 साल बाद लगी है। तो और कोई ऐसा मुल्क नहीं, मैं तो पढ़ने लगा, उसके बाद मैंने चुना कितने दिन होगा, कोई मुल्क छूटे तो बताएं कि जहां आपने परफॉर्म ना किया हो। और ये सब हिंदुस्तान में बात है कि पूरा मुल्क जो है एक ऐसे नाम से जो है, और ये हमारे लिए फख्र की बात है ना कि आपने इस अवार्ड को कबूल किया।
साल 2019 का अवार्ड है, लेकिन ठीक है हम रखे हुए थे आपके नाम से कि आप जब हमें हमारे हमें नसीब होंगी दस्तयाब होंगी तब हम जो है आपको अवार्ड देंगे। आंटी भी हमें तशरीफ रखती हैं, तो हम सबकी गुजारिश है कि अगर आप तशरीफ ले आए और हम वो पूरी करने से दें फिर उसमें। सर अगर आप भी इसमें हमारे दोस्त फैजल मलिक साहब देखे सीधा शूट से वो आप आ रहे हैं ये फोन बताना चार्जर है बहुत प्यार और दुआओं के साथ इसको आपको भगवान और अल्लाह मियां आपको बहुत बहुत कामयाबी दे। तस्वीर हम देखेंगे आज ये बहुत ही खुशी का मौका है, हालांकि याद जिनको किया जा रहा है वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि इस तरह के लोग जैसे शरीम साहब के बारे में मैंने सुना और सब इतने प्यार से उनके लिए बोले, मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं उनसे मिली होती। और मुझे इसका अफसोस है कि इस तरह की हस्तियत से मिलने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन उन्हीं के नाम का वो आज आपके हाथ में मुझे मिला है तो मेरे लिए बहुत गर्वमय है ये मौका, बहुत खुशनसीब भी समझती हूँ मैं आपको। आप सब लोगों ने इतनी इतनी रिगार्ड किया है, मुझे इस काबिल समझा है, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आपका खास तौर पर धन्यवाद जश्न यादव का। सब ये फॉर्मल इनफॉर्मल महफिल है कोई। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे गुरु हमारे मेंटर और हमें रास्ता दिखाने वाले प्रोफेसर अशोक चक्रवर्ती जी से, क्योंकि शमी साहब से उनका ताल्लुक वो था जो हिंदी और उर्दू के लिए आप कहते हैं, वो शमीम साहब का ताल्लुक ऊपर नीचे रहते थे दो मिसरों की तरह। तो जाकिर बाग में हमारा घर टॉप फ्लोर थर्ड फ्लोर था, इनका फर्स्ट फ्लोर था, बच्चे इनकी वाइफ सब हर दिवाली हर होली पे फोन आ रहे हैं, आ जाइए पूजा हो रही है जल्दी आइए, ईद पे हमारे यहाँ से फोन जा रहा है सेवैया इंतजार कर रही है जल्दी आ जाओ तुम लोग, तो ये हालत थी। और जामिया में आप सुबह हिंदी के जोड़ी थे और शर्म साहब तो उर्दू के जोड़ी रहे,
शिवाय जी के, तो वहां भी साथ ही जुड़े हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ खुशी। आदरणीय सभाभावी हसनैन साहब जोशी जी, परवेज साहब, और आपका शुक्रिया कि आपने माइक भी ठीक कर दिया। उदय साहब, आपने इन दिनों हमारी जदीदी शायरी और आप स्वयं तंजी नखा रहे हैं। हमारे कमल भाई एक आश्चर्य की तरह मुझे यहाँ दिखाई दिए और मैं तर गया, क्योंकि इनके जलसों में मैं दूसरे रूप में जाता रहा हूं। और यहाँ एक दूसरा रूप, किसी भी आदमी के दो रूप होना खतरनाक होता है, बुरा होता है, लेकिन अगर एक दूसरे कामों के विरोधाभास को समझने वाले लोगों को आभास भी हो जाए कि यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं होती। गौर साहिब, आप प्रणाम करता हूँ, लिखिया फजल और सीमी दोनों ऊपर से ताकती रहती थी और मेरी श्रीमती जी आवाज लगाती थी कि उतर आओ दोनों परियो, आ जाओ दिए जलाने। मुझे जो कुछ बताना था तो भाभी बता चुकी है कि क्या था क्या नहीं था, उसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं है, उसमें संस्कृतियों के कुछ जानने की ललक और एक परंपरा के गृह प्रवेश का सा मामला रहता था कि वहां की परंपरा हमारे घर में आई और हम भी चौके गए। ऊपर कहा गया कि दो मिसरे थे, तो पहला मिसरा ही महत्वपूर्ण होता है, दूसरा मिसरा तो ये कि सोच के पहले से ही रखा जाता है कि यही रहना है। तो मुझे भी इसी तरह सोच के रखा गया था कि मैं वहां रहूंगा। उनके लिए मैं किस संबोधन का इस्तेमाल करूं मैं बता नहीं सकता, कि मेरे पास अभिभावक संरक्षक पिता तुल्य हो रहे, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं कि वे मेरे लिए मार्गदर्शक थे। कोई भी संकट आता था तो वो मुझे घरेलू सलाह देने से लेके के जामिया में मुझे क्या करना क्या कहना क्या बोलना और कैसे विभाग चलाना है, इसकी नसीहतें मिलती थी। दरअसल बहुत अच्छा कहा जोशी जी ने, लेकिन एक चीज ये कि जामिया में मैं पहले आया था उनसे, जामिया तो वो कॉलेज हुआ करता था, तो वो यूनिवर्सिटी नहीं थी जब मैं आया था। तो एक छोटा सा हॉल था जिसमें सारे शोबों की शोबे के लोग बैठा करते थे। अदर देन उर्दू का जो विभाग था वो सड़क पार हुआ करता था शुरू से ही, लेकिन वहां के उस्ताद भी उसी कमरे में आके बैठ जाते थे। अब जब वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी हुआ तो जगह कम पड़ने लगी, सारे विभाग अलग अलग हो गए। 1983 में हम सबको अलग अलग टापू मिले रहने के लिए, और वो जो एक जामिया बिरादरी की एक अलग अलग अदा थी, और अदा ये कि अगर वो मथुरा रोड तक भी जाएंगे तो कहेंगे कि भाई शहर जाना है, 2 किलोमीटर आगे के बाद तो शहर शुरू हो जाता था, और उससे पहले तो जामिया मिलिया इस्लामिया है या जामिया है जहाँ स्कूल भी है और जहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी है और इंजीनियरिंग और कुछ छोटे छोटे से विभाग हैं। और एक में तो सभाभावी भी काम करती थी, बच्चों की तरह सबको किस तरह ले पाती हैं ये, क्योंकि बहुत बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया है, तो हमें सबको हम सबको लगना चाहिए कि हम इनकी नर्सरी के बच्चे हैं, और इतने ही स्नेह से ये प्यार करती है मान लेती। वो सीढ़ियां एक थी जिस पर हम उतरते और चढ़ते थे, वो ज्यादा चढ़ते थे इसीलिए वो ज्यादा दीप्त थे, ऊंचे थे। मैं जानता हूँ आपको जाना बहुत सारे शुक्रिया। तो उन सीढ़ियों पर मुझसे मिलने जो आते थे वो तो उनसे नहीं मिल पाते थे, लेकिन उनसे मिलने जो आते थे वो मेरे सामने से होके जाते थे। इसलिए मुझे मालूम है और मैं चश्मदीद गवाह हूं इसका कि वहां कौन कौन आते।
अब ये रामचरण जोशी जी तो आए, मतलब से आए, पाकिस्तान जाना है, लेने एड्रेस तो चल वहीं से मिल जाती है, वो हमारे दोस्त असगर बजात ने दिलवा दी। लेकिन उसके बाद, उसके बाद वो सिलसिला बनाए रखा है, आते रहे और शमीम साहब से गुफ्तगू करते रहे। सिर्फ शमीम साहब से नहीं, बच्चियों को बहुत पूछते हैं जब फोन पे बात होती है, गदर सिंह ही कहती है, हमेशा पूछते हैं। हाँ, तो ये बहुत घरेलू किस्म के इंसान भी हैं और बहुत मोहब्बती मेरे साथ प्यास रखते हैं। तनु मनु हमेशा उनको नाम तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनके प्रति स्नेह मिला, ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनको दोनों का स्नेह मिला। तो आप तो ऐसे दुर्लभ प्रजाति के प्राणी हैं जिनको दोनों का स्नेह मिला, भाभी का भी मिला और उनका भी मिला। खैर, मैं कहना ही चाहता हूं कि जितने भी लोग मिलने आते थे उनमें जैसे हेलो गिरीश कर्नाड सीढ़ियों पे खड़े और मैं अपने दरवाजे पे था। गिरीश कर्नाड वही तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग मुझे पहले मिल जाते थे, आपके घर पहुंचने से पहले आपके घर आए थे, वही तो बता रहा। तो मैंने गिरीश साहब को कहा बहुत उमदा गिरीश साहब, प्रणाम किया उनको, उनके लिए कुछ और भी ताजा किसी फिल्म का भी जिक्र कर दिया, बहुत अच्छी लगी। तो वहां वो फिर एक मोड़ आता था सीढ़ी पे, ऐसे चढ़ो फिर ऐसे मुड़ो, पता नहीं किस शब्दावली का मैंने प्रयोग किया, लेकिन उन्हें वो शब्दावली अच्छी लगी, उन्हें लगा एक आम दर्शक नहीं है ये, कुछ अलग सा है। तो उन्होंने वापस आए, आप मैंने कहा जी मैं तो अशोक नाम है उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा था, शुक्रिया सर। फिर वो ऊपर चल गए। तो ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे ही रोक लेता था आपके आने वालों को, ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि वो कहीं जाना चाहते हैं वो अपने आप ले, हम चाहे हमारे आप ही जाइए साहब, आप तो चले जाइए। लेकिन और भी जितने भी शायद हजरात हैं वो आते थे, नशिस्त होती थी, बैठकें होती थी, लेकिन हिंदी के लोग ज्यादा होते और उर्दू के जो होंगे वो मुझे मालूम नहीं रहते या जो भी हो। एक और मैं बताऊं बात कि वो मेरे लिए शब्दकोश थे, उर्दू हिंदी शब्दकोश, यानी मुझे अगर किसी उर्दू का मानी नहीं आता है तो उसे पूछने के लिए अच्छा उपलब्ध भी नहीं थे बाजार में इस तरह के देवनागरी लिपि में हिंदी के शब्द का वैसा अनुवाद मिल जाए। इलाहाबाद वालों ने एक छापा था, वो भी बेकार साबित होता था अगर उच्च स्तरीय शब्दावली का तर्जमा करना हो तो मुमकिन नहीं हो पाता था। इसी तरह से मैं उनके लिए हिंदी का शब्दकोश था, कई माह कई अवसर पर ऐसा होता था, हिंदी उनकी बहुत अच्छी थी, इलाहाबाद में रहते, गढ़ में रहते और माशाल्लाह क्या जबान थी उनकी, सबको मोहित करने वाले लोग थे। फिर तीसरा ताल्लुक हमारा होता था जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, मैं भी पढ़ाता था, वो पढ़ाते थे ऐसा कहना नहीं, बल्कि वो पूरी जो फैकल्टी है हमारी आर्ट्स फैकल्टी उसके मुख्य सलाहकार होते थे। 83 में हमने कोर्स डिजाइन किए थे और मैं कोर्स बनाने वालों की जो समिति थी उसका संयोजक था, तो हमें छूट ये थी कि हम किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बंधे बनाए पाठ्यक्रम से जुड़े हुए नहीं थे, हमने अपने पाठ्यक्रम खुद बनाए और उसमें वो सारी जदीदियत, तो वो सारी आधुनिकता और आज के जो डिस्कोर्स हैं, आज के जो चिंतन बिंदु हैं वो रखे गए। यानी अभी तक वो रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पर आकर नगेंद्र की समीक्षा का समीक्षा पे आके बंद हो जाता था, लेकिन उसको हम मुक्तिबोध और अज्ञेय की के सोच तक लेके आए और साहित्य शास्त्र के ऐसे पेपर बनाए कि मुझे शमीम साहब का वो सानिध्य ज्यादा याद रहता है जिसमें हमने एक एक पेपर करके 10-12 पर्चे बनाए और लंबी लंबी बैठकें हुई और उन पाठ्यक्रमों का वसी पाठ्यक्रम तैयार हुआ। ऐसे अपने बड़े, ऐसे स्नेही मेरे बच्चों के संरक्षक याद करते हैं अनुराग और स्नेहा उनको निरंतर। फेसबुक पे चारों बच्चे जुड़े हुए हैं आज भी, हमारी मुलाकातें न हो
उन चारों की होती रहती है, हम एक दूसरे से परिचित रहते हैं। कुछ नाइतफाकियों के बावजूद उन नाइतफाकियां, एक तो थी गहन इधर की, एक थी गहन उधर की। गहन इधर की माने मैंने मुक्तिबोध पे काम किया, मैं एक समीक्षक स्थापित हो रहा था, मेरी 3 किताबें मुक्तिबोध पे शाया हुई और मैं मुक्तिबोध का पक्ष रखता है। वो एक ललित अज्ञेय को ज्यादा तवज्जो देते थे, तो वो अज्ञेय और मुक्तिबोध के बीच में हमारा मुद्दा ये रहता था कि अज्ञेय कई बार नकारात्मक सोच को आगे लेके जाते, वो सारा अकेलापन, अजनबीपन और सड़न, बदबू, कुटन, निराशा, हताशा वगैरह वगैरह जो अस्तित्ववाद के भ्रूण विचार थे, ऐसा मुझे लगता था। जब अब मैं अज्ञेय का भी और बहुत बड़ा समर्थक और शिष्य हो चुका हूँ, क्योंकि उनकी भाषा, उनके बिंब तब तक मैंने उतने पढ़े भी नहीं थे, सही बताऊं तो। कई बार क्या होता है कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है, तो हम भी वैसा ही करते थे अपने चिंतन के मामले में। प्रगतिशील धारा का जो अतिवाद था वो 80 के दशक में अपने चरम उत्कर्ष पर था। और इसमें आवाज बंद होगी, चिंता न करें, कंपन पे है तो मैं काम थोड़ी जाऊंगा। बस ये था कि जो आधुनिक भावबोध की नकारात्मकता है वो हमें अकेलापन, क्यों अकेला, अकेलेपन के लिए नहीं बल्कि समाज को बदलने के लिए हमें उस सौंदर्य शास्त्र की कल्पना करनी होगी और उस मनोवैज्ञानिक धरातल को सामने लाना होगा जो हमें क्रांति की ओर ले जाए। क्रांति के लिए क्या माहौल था और क्रांति हम कितनी समझ पाए थे और क्रांति किस पतंगे रास्ते पे सारे देशों में जा रही थी, लेकिन एक वक्त निश्चित रूप से 2/3 देश उस क्रांति के पथ पर या स्पर्श करते हुए निकल रहे थे झंडा लेके, लेकिन उसका भी पतन हुआ और धीरे 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 हमने जनमन को जानना प्रारंभ किया। और जब उन्हीं लोगों ने जनमन को जाना तो उस सौंदर्य शास्त्र को भी जाना, एस्थेटिक्स को भी जाना, कि हम अगर किसी चीज में कोई नारा नहीं है तो खूबसूरत हो सकती है, इसको मान के चलो। तो मनुष्यता की जो बुनियाद हमारे शमीम मंफी साहब के अंदर थी, जीवन में जीवंत होकर जीवनी शक्ति देने वाली ऐसी किसी और लेखक में हमें देखने को नहीं मिलती जो अपने समय और समाज के हैं। हम उन्हें उर्दू का नहीं कह सकते, उन्होंने पर्शियन भी पढ़ी, पर्शियन का भी नहीं कह सकते, वो हिंदी के भी थे और मेरी उनसे दोस्ती का एक और आधार था कि मैं संस्कृत का भी था, तो संस्कृत के साथ चीजों को आगे बढ़ाना। और मुझे कोई भी चीज पूछनी होती थी, जोशी जी एक जब पाकिस्तान को 25 बरस हुए उनके टेलीविजन को और हमारे यहाँ से दावतनामा, उनकी तरफ दावतनामा आया गया, आपके दूरदर्शन की तरफ से अगर कुछ संदेशा भेज सकते हैं तो भेजिए। अच्छा, दूरदर्शन ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं कुछ गीत बना दूं या कुछ ऐसा काम करूं, तो फिर मैं शमीम भाई के साथ बैठा, मैंने कहा गाना बनाना है, पाकिस्तान जाना है, अब वो समझिए कि मोहब्बतनामा कैसे पहुंचाया जाए। तो कुछ मैंने बनाई थी, एक पंक्ति को उन्होंने सराहा के वही तराने हैं, वही फसाने हैं, वही अफसाने हैं और वही सब कुछ है, तो उसमें अलहदा क्या है, तो कबूल करो, स्वीकार करो भारत के वासियों का प्यार, ये उसका मुखड़ा बना था, उनकी संगत में बैठ के पूरा गाना बना था। इसी तरह से एक कविता मेरी जो ताजमहल वाली बहुत पसंद की जाती है, उस कविता के लिए ऐतिहासिक सामग्री उन्होंने किस तरह से मुझे मुहैया कराई, मैं उसके लिए जीवन में आभारी रहूंगा कि कितने तरह के पत्थर ताजमहल में लगे हुए हैं, कितने बरस उसको बनाने में लगे, क्या क्या, तो वो किताब खुद मेरे लिए लेके आए, फिर मैंने अब्दुल बिस्मिल्लाह से भी पढ़वाई, जब उसके मुश्किल अल्फाज मेरी समझ में नहीं आए, लिपि आती तो है पर इतनी नहीं आती कि हम घुस के उसमें बैठ के हीरे मोती निकाल लाए, तो वो सारे हीरे मोती हम ताजमहल वाले उनसे पढ़वा के निकाल लाए और मर दिया उस कविता को, तो उसके लिए भी मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। जीवन की हर उस दिशा निर्देश के लिए, जामिया मिलिया में मेरे वजूद को बनाए रखने के लिए और एक स्नेहिल संपर्क के लिए, पारिवारिक नाते के लिए मैं उनका हमेशा याद करूंगा और चाहूंगा कि उनको, उनके काम को देवनागरी लिपि में संपूर्ण का संपूर्ण लाया जाए और मैं जो उसमें कर पाऊंगा वो जरूर करूंगा। वैसे कोई मुश्किल मामला नहीं है,
अंग्रेजी में लिखो तो कौन पता नहीं कौन सा अदृश्य अनुवाद अनुवाद कर देता है हर किसी चीज का, वो बेहतर होता जा रहा है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो यांत्रिक अनुवाद है, ये मशीनी अनुवाद है। लेकिन दिल की भाषा में, जो दिल की भाषा में बात करता हो उसका अनुवाद दिल से ही हो सकता है। क्या उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर जिसके लिए हम सभी सर्वथा इकट्ठा हुए हैं, और वो अवार्ड हम अपनी आंटी को देंगे जाहिर है। तो इरफान हबीब साहब भी तशरीफ लाए सर, आपका भी शुक्रिया। आगे आ जाएं इसमें सब शामिल हो जाएं सर, फैजल भाई आप भी आ जाएं, फैजल भाई आप भी आ जाएं सर, आप भी दस्ते मुबारक दिया जाना है तो आप सामने से नहीं भाई साहब सामने नहीं आना है, एकदम से उठते हैं ना तो मुझे जरा आ जाता हूं। हां यहां रहो, हां हमारी आलिया तो बजा दो। नहीं भाई साहब, हाँ थोड़ा साइड होना, भाई हेलो, बहुत लोगों ने मुझे ये चादर उठाई है, और सबके प्यार, सबके खुलूस, सबकी मोहब्बत का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। हमारे साथ हमारे लिए बहुत बड़ी दौड़ है, अभी उठा के ले जाने दे, बहुत दुआएं आप सबको। उठा ले तुम सामने रहोगे तो फिर हो गया, सामने से काटो। वीडियो का हो गया, फोटो भी ले आते हैं, तुम खड़े हो जाओगे तो फिर ये तो कट हो जाएगा, फोटो यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से नहीं आएगी फोटो जो मैंने यहाँ से अरे लग रही है फोटोग्राफी आज के इस प्रोग्राम के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस आप लोगों की मोहब्बत हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, और हिना खड़ी है मेरे सामने। रंजीत के बारे में मैं यही कहूंगी कि रंजीत का जो ताल्लुक हमारे घर से था, शमीम हनफी से जो था, वो काबिल-ए-कद्र था।
इतना एहतराम ये करते थे शमीम साहब का, अगर कुछ दिन ज्यादा हो जाते थे तो ये एक शर्मिंदगी का एहसास इनके चेहरे पे नुमाया होता था। घर आते थे, ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते थे, नजरें नीचे होती थी, आशीर्वाद लेते थे पहले, तब का सुनते रहते, लेकिन उसी खफगी का इजहार करते करते मैं अंदर आती थी तो कहते थे सबाब चाय वो बनाओ, चाय बनाओ, लेकिन याद रखना रंजीत चाय नहीं पीते, उनके लिए रोजा जरूर बनाते ना, मतलब उनको उस वक्त भी रंजीत तुम्हें याद होगा हमेशा ये कहते थे। हम कहते भी थे कि आप हमें याद क्यों दिला रहे हैं, क्या रंजीत हमारा बेटा नहीं है, मुझे याद रहता है, मुझे याद है मैं रंजीत के लिए रोजा ही बनाऊंगी। तो ये तो हालत थी इनकी, इन्होंने नया घर लिया यहाँ पे लाजपत नगर में, तो सब पहले हम लोगों को लेके आए, खुद लेके आए वहां घर से, जाकिर बाग से हम दोनों को लेके आए, कहने नहीं चलिए पहले घर आप लोगों को दिखाएंगे, तो हम लोग को घर लेके गए, वो नया घर जो था तो उसमें लेके गए हम लोग गए, बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि आंटी आप दुआ जरूर पढ़ दीजिएगा यहाँ पे खड़ी होके, हमारे कान में कहा इन्होंने, तो मैंने दोनों कमरों में उधर पीछे तक जाके दुआ पढ़ी थी वहां पे। तो ये तो हालत थी इनका, इनकी जो जिस तरह का इनका ताल्लुक था हमारे साथ। शादी इनकी तय हुई, जब शादी तय हुई हिना के साथ, ये मेरे पास खड़ी है, तो सबसे पहले हमको आके बताया, घर पे बताया और आशीर्वाद लिया इन्होंने हम लोग से दोनों से। फिर उसके बाद शादी के बाद हिना को लेके भी आए घर मिलाने के लिए, जैसे अपने बाप से अपने बुजुर्ग से जिनको बहुत प्यार करता हो, डांट भी खाता हो, वो सब कुछ ये इनको हमारे घर से सारी सौगात मिली है। बहरहाल अब मैं शमीम साहब के बारे में बोलते वक्त मेरे जज्बात मेरे बिल्कुल साथ नहीं देंगे, इसलिए सब लोगों से मैंने भी सुना कि सब लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन बहुत दुआएं रंजीत तुमको भी बहुत दुआएं, दोबारा मैं आशीर्वाद दे रही हूँ तुम लोगों को, रंजीत खुदा करे तुम्हारा काम जो है वो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से सब लोग उसके ऊपर इजहार ख्याल कर चुके हैं, और रंजीत अनएक्सपेक्टेडली बहुत सी बातें करते हैं, उन्होंने ये भी कर दिया, तो मैं क्या कहूँ, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुआ, ये मुझे नसीब नहीं हो पाई, वैसे मैंने उनको डिलीवरी और इस पे सब पे तमाम उनको देखा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वाकिफ नहीं हूँ, और जितना कुछ यहाँ कहा गया है उससे एक बेहतरीन इंसान की भी एहतराम आदमियत की कोई हद ही नहीं है, एहतराम आदमियत की बदी करता है दुश्मन और हम शर्माए जाते हैं, बदी करता है दुश्मन और हम शर्माए जाते हैं, बहुत जी खुश हुआ ए हम नशीन कल जोश से मिलकर, बहुत जी खुश हुआ ए हम नशीन कल जोश से मिलकर, अभी अगली शराफत के नमूने पाए जाते हैं। मैं शेर नजर करता हूँ उनको, बहुत बहुत शुक्रिया।